नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक गोयल और आप देख रहे हैं न्यू मोबाइल टेक्निकल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। हाँ तो दोस्तों, आप सब दोस्तों को पता है मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का फ्री कोर्स लॉन्च कर रखा है जो कि हमारा बेसिक से एडवांस तक रहेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के ऊपर, लेकिन दोस्तों ट्रांजिस्टर की वीडियो देखने से पहले दोस्तों, इससे पहले जो कि हमारी पीछे की वीडियो है डायोड के ऊपर, वो देखना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर डायोड का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए दोस्तों आपको पहले ट्रांजिस्टर की वीडियो देखने से पहले आपको डायोड की वीडियो देख लेना चाहिए, जिससे आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो। और पीछे की सभी वीडियो का जो हमारी वायर रिपेयरिंग फ्री कोर्स की वीडियो है, उनका मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हो। लेकिन आपको ट्रांजिस्टर की वीडियो देखने से पहले आपको डायोड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो डायोडों को मिलकर ही ट्रांजिस्टर बनता है। ठीक है दोस्तों, और लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन बना इसे दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हाँ तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक NPN एक PNP। ठीक है दोस्तों, और ट्रांजिस्टर दो डायोडों को मिलाकर बनते हैं। और जो हमारी डायोड होती है वो कुछ देखने में इस प्रकार से होती है, उसके दो सिरे होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव माइनस। और जो उसका सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। और डायोड का एक बेसिक मेंटल फंडा होता है कि डायोड ना पॉजिटिव को पास कर देगा, नेगेटिव को पास नहीं करेगा। अगर हम एनोड से पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो पॉजिटिव को तो पास कर देगा लेकिन नेगेटिव को पास नहीं करेगा। और अगर हम कैथोड से कोई सप्लाई देंगे, कैथोड की माइनस सप्लाई देंगे, तो माइनस को पास करेगा, पॉजिटिव को पास नहीं करेगा। दोस्तों ये इसका रूल होता है, तो इसको भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप सबसे पहले डायोड की वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है दोस्तों, और जो सप्लाई हमारी पॉजिटिव एनोड से पास होती है उसको हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, और जो सप्लाई हमारी कैथोड माइनस से पास होती है उसको हम रिवर्स बायस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के अंदर के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर दो डायोडों को मिलाकर बनता है, तो हम दो डायोड ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसे मैंने आपको बताया इसका कौन सा सिरा प्लस है और कौन सा माइनस है, ठीक है दोस्तों, वो हम भी यहाँ पे थोड़ा एक ड्राइंग के थ्रू आपको बताते हैं। मैंने ये दो डायोडों को आपस में मिला दिया है। ठीक है दोस्तों, इसका दोनों साइड का सिरा नेगेटिव है, जो कि आप एनोड कैथोड से समझ रहे हो, और अंदर का हमारा सिरा वो पॉजिटिव है दोनों डायोडों का। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लिखेंगे अन मतलब नेगेटिव, और दूसरी साइड से हमारा ये भी नेगेटिव है, आपको सिंबल को देख के भी समझ सकते हो आप। और ये हमारा बीच का है सिरा, ये हमारा दोनों डायोडों का पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया है NPN, जो कि मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, तो ये हमारा दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये अंदर का स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये बाहर से देखने में ऐसा नहीं मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाहर से कैसे देखने में मिलेगा और क्या इसकी टेस्टिंग होती है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर बन के तैयार हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम दो डायोडों को और लेते हैं, इनको हम उससे अपोजिट लगाते हैं दोनों डायोडों को, और दोनों को हम मिलाते हैं, दोनों को मिला देते हैं। इनका भी मैंने आपको बताया था ये एक सिरा पॉजिटिव है और बाहर वाला भी सिरा पॉजिटिव है और बीच वाला सिरा नेगेटिव है, तो दोस्तों ये हमारी तीन पिन बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो इनको हम बोलेंगे PNP ट्रांजिस्टर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे दो ट्रांजिस्टर होते हैं, और जो देखने में कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है दोस्तों हमारे मोबाइल के अंदर, मैं आपको मोबाइल PCB के अंदर भी चेक कराऊंगा, जो हमारा देखने में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा हमें ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर के तीन पिने हैं, जिनको हम एक को बोलते हैं बेस, एक को बोलते हैं इमीटर, और एक को बोलते हैं कलेक्टर। ठीक है दोस्तों, और ये तीनों पिने कहीं भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, इनकी कोई फिक्स जगह नहीं होती, कौन सा हमारा बेस है, कौन सा इमीटर है, कौन सा हमारा कलेक्टर है। ठीक है दोस्तों, और सक्समेटिक के अंदर हम रीड करेंगे तो इसका सिंबल मिलेगा, हमारा Q सिंबल मिलेगा।
ठीक है दोस्तों, जो हमें डिनोटिंग लॉइटर बोलते हैं वो हमारा क्यू होगा। वो ट्रांजिस्टर हमारा मोबाइल के अंदर देखने में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आप देख पा रहे हो ये तीन लेग का जो मैंने आपको पिक में दिखाया, इस प्रकार से आपको देखने में पीसीबी के अंदर दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको सक्समेटिक के अंदर भी दिखा देते हैं। ये आप देख पा रहे हो ये इसका सिंबल है, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है और इसका डिनोटिंग लेटर क्यू है। मैं आपको अब एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की पहचान बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आप जो ट्रांजिस्टर के दो सिंबल देख रहे हो ये आपको दिखने में तो दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन इनके अंदर बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, जो इनका बीच वाला होता है वो हमेशा बेस रहेगा, और जो आप देख पा रहे हो इनके अंदर दो डायोड लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, जो डायोड हमारा बाहर की तरफ आ रहा है वो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, और जो डायोड हमारा अंदर की तरफ एरो है उसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। जो मैंने आपको डायोड में समझाया था उसी प्रकार से दोस्तों इनको हम पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की पहचान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अब हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग की बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांजिस्टर हमारा दो डायोडों को मिलकर बनता है, तो हम दो डायोड ले लेते हैं और ये आपको मैंने बता ही दिया ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि इसकी दोनों साइडें बाहर वाली नेगेटिव है और अंदर वाली दोनों साइडें पॉजिटिव है, तो हमारा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया। तो दोस्तों ये हमारा किस प्रकार से वर्क करता है, जैसे कि दोस्तों हम नेगेटिव साइड से 5 वोल्ट प्लस देंगे तो आपको पता है हमारी ये सप्लाई पास नहीं होगी, क्योंकि जो डायोड होता है वो हमारा माइनस पास नहीं करता है। अगर हमारा पॉजिटिव साइड होता तो हमारा पास कर देता, लेकिन नेगेटिव साइड को हमारा पास नहीं करेगा। तो इसको हमें ऑन करने के लिए दोस्तों जो हमारा पॉजिटिव है, जो बीच वाली लाइन है हमारी पॉजिटिव की, इस पर हमें पॉजिटिव एक नया सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पॉजिटिव सप्लाई होगा उससे हम ऑन कर सकते हैं, तो लेकिन उससे भी हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब हमारी एक बार सप्लाई ऑन होगी तो हमारा एक बार तो ऑन हो जाएगा ट्रांजिस्टर, लेकिन जैसे ही हमारी नेगेटिव सप्लाई आएगी तो हमारा फिर से ऑफ हो जाएगा, तो ये काम करना बंद कर देगा। इसलिए हम यहाँ पे पल्स वाली सप्लाई देंगे। हमारी पल्स वाली सप्लाई देने से स्विचिंग होता रहेगा और सप्लाई हमारी काम करता रहेगा। जब तक हमें जरूरत है इसको ऑन रखने का, तो तब तक हमारी सप्लाई काम करती रहेगी। ऐसी सप्लाई को हम PWM बोलते हैं। ऐसी सप्लाई का उपयोग करके हमें वोल्टेज और एम्पेयर लेवल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इनकी टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं कि हम ट्रांजिस्टर की पहचान कैसे करेंगे कि हमारा एनपीएन है या पीएनपी है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी पहचान करने के लिए हमें मल्टीमीटर की जो हमारी दो वायर होती है ब्लैक और रेड, इनको हम ट्रांजिस्टर के तीन पिनों में से, मान लीजिए हम ब्लैक वायर को हम रख देते हैं एक पिन पर, और मान लीजिए हमारी दो पिनों पर हमारी वैल्यू शो हो गया, तो अगर हमारी ब्लैक पिन से अगर हमारी दो पिनों पे वैल्यू शो हो रहा है तो इसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलेंगे, और हमारी रेड वायर एक पे रखी हुई है और ब्लैक वायर से हमारे दो पे जीआर आ जाता है तो उसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर मानेंगे, और दो ब्लैक पिनों पे हमारा वैल्यू शो हो गया तो उसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलेंगे। और अब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा इमीटर है, तो इसके लिए दोस्तों जहाँ भी दोस्तों आपकी वैल्यू ज़्यादा आए उसको हम इमीटर बोलेंगे, और जिस पिन पर वैल्यू कम आए उसको हम कलेक्टर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम बेस, कलेक्टर और इमीटर की पहचान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके फॉल्टी और ओके कंडीशन की पहचान भी हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम मल्टीमीटर की वायर से हम इसको चेक कर रहे हैं किसी पिन से, और हमारा दोनों साइड से बीप दे गया तो समझो वो हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब है, और अगर कोई वैल्यू ना शो हो तो वो दोस्तों ओपन है। इस प्रकार से दोस्तों हम ट्रांजिस्टर की पहचान कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।